मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर है। फैक्ट्री से लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने तुरंत एक बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री मनमोहन यादव ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एजीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को हेलीकॉप्टर से जाने के निर्देश दिए। भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने को कहा। इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी जा रही हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में लगातार जो धमाके हो रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई है और वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से इस हृदय विदारक हादसे में फंसे सभी नागरिकों की कुशलता तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना और इसमें त्वरित कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की गई है। एक मीटिंग बुलाई गई और तमाम अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर रवाना होने के निर्देश दिए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं भोपाल में मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से। आदित्य, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने तुरंत मीटिंग बुलाई, इसके बाद क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और इससे जो ये आकस्मिक घटना हुई है, एक दुखद घटना है, इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां वहाँ पर राज्य सरकार की हैं? देखिए, हृदय विदारक घटना है और इस घटना ने आसपास के लोग जो जहां ये ब्लास्ट हुआ है, बैरागढ़ इलाका है, बगरदा रोड कहा जाता है और वो बैरागढ़ इलाके में ये पूरी फैक्ट्री थी, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि आसपास में जो मजदूर वहां काम करते थे उनके घर भी थे और ब्लास्ट इतना तेज था कि उन घरों की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं और दूर तक जो है लोग फिकाते हुए दिखाई दिए हैं। सरकार की अगर बात करें तो भोपाल में चूंकि उस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही थी और मुख्यमंत्री ने तुरंत जैसे ही उनको जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत स्थानीय प्रशासन से, कलेक्टर से फोन पर बात की, जानकारी ली और उसके बाद बैठक के बीच में ही प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री हैं, राव उदय प्रताप सिंह, उन दोनों को वहां रवाना होने के लिए कहा है। एसीएस होम को भी कहा है कि आप तुरंत जाइए और हेलीकॉप्टर के जरिए बल्कि आप पहुंचिए ताकि जल्दी आप वहां पहुंच सकें और घटना किस तरीके की हुई है उस पर एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। घायलों की अगर बात की जाए तो रामा, अब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना जो है वो फिलहाल मिल रही है और कई जनहानि की खबर भी मिल रही है, लेकिन हालांकि अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कोई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों की जान भी जो है वो इस हादसे में गई है। कारण क्या है, क्या ये फैक्ट्री अवैध बताई जा रही है और रहवासी इलाके में दरअसल ये फैक्ट्री चल रही थी और जो नहीं होना चाहिए था, नियमों के मुताबिक ये गलत था, लिहाजा अगर देखा जाए तो फिलहाल जो घायल गंभीर रूप से हैं उनको रेफर करने की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल हरदा जिला अस्पताल को उनको ले जाया गया, लेकिन उसके बाद इंदौर में जो MY अस्पताल है वहाँ कलेक्टर इंदौर जो है वो तुरंत पहुंच गए हैं, वहां पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और भोपाल एम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बर्न यूनिट को सतर्क कर दिया गया है ताकि एयरलिफ्ट करके अगर घायलों को लाया जाए तो उनका इलाज जो है वो तुरंत हो सके। बहुत दुखद घटना है और हर ओर जिसे अगर कहें तो एक दुख का माहौल फिलहाल देख सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, आप नजर बना रखें, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।